हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अबाउट आवर सोशियोलॉजी डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी चैप्टर नंबर 3, और ये बेस्ड है सोशल इंस्टीट्यूशंस पर कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो लास्ट लेक्चर जैसे काफी लंबा था, ये लेक्चर उससे थोड़ा छोटा शॉर्ट रहेगा, लेकिन इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो सोशल, तो जैसे आपको दिख रहा है सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो चीजें जो चेंज हो रही हैं, कंटिन्यूअसली चल रही हैं, वो इसमें बताया गया है। तो काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीजें कंटिन्यूअसली चल रही हैं, तो ये चैप्टर आपको उसका आंसर देने में काफी अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो पास्ट में था वो देखते हैं। देखिए, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। While social arrangements producing similar effects have existed in other parts of the world, the exact form has not been found elsewhere. So ये जो caste है ये unique है Indian subcontinent के लिए। ऐसी caste हमें और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि लोग caste के basis पे ऐसे divided हैं। Caste, उसके बाद sub caste आ जाती हैं, right? तो आपको ये ऐसा division कहीं नहीं मिलेगा, ये unique है India के लिए। अब देखते हैं कि कास्ट का क्या मतलब होता है। तो कास्ट जो वर्ड है ये बोरोइंग है फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। तो ये आप ऐसे में यूज कर सकते हैं अगर कास्टिज्म पे कोई ऐसे आता है कि कास्टा का मतलब होता है प्योर ब्रीड। और वर्णा क्या होता है? वर्णा का मतलब होता है लिटरली कलर, ठीक है? तो वर्णा और कास्ट में हम अभी थोड़ा समझेंगे, वर्णा और जाति, ठीक है? तो वर्णा लिटरली मीन्स कलर, इज द नेम गिवन टू अ फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दो दिस एक्सक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ द आउटकास्ट, जिसके अंदर आते हैं फॉरेनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल एंड अदर्स, समटाइम्स रिफर्ड टू एज पंचमास और फिफ्थ कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, वर्णा का मतलब होता है चार कैटेगरी में डिवाइडेड, फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन इसके अंदर काफी लोग आउटकास्ट रह जाते हैं। आउटकास्ट कैसे रह जाते हैं? जैसे फॉरेनर्स हैं, जैसे ग्रीक्स आए, अरेबियंस आए, ईरानीज आए, तुरानी आए, इंडिया में आए, तो वो फॉरेनर्स, ऐसे स्लेव्स, और ऐसी अगर हमने किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, जैसे चोलास ने कब्जा करा था श्रीलंका पे, तो ऐसे लोग आउटकास्ट कहे जाते हैं जो कास्ट के अंदर नहीं आते, ठीक है? तो ये हो गया अबाउट दी वर्णा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इज वर्णा। जाति क्या होता है? जाति इज अ जेनेरिक टर्म रिफरिंग टू स्पीशीज और काइंड्स ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है? जाति इज अ जेनेरिक टर्म रिफर्स टू स्पीशीज और काइंड्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है? तो ये होता है जाति। जनरली मतलब क्या होता है जाति का वर्ड? मतलब वो ये बताया गया कि जाति इज अ जेनेरिक टर्म रिफर्स टू स्पीशीज और काइंड ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स। अब और चीज देखते हैं, हम समझते हैं इसमें। द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन इज टू ट्रीट वर्णा एज अ ब्रॉड ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है? मतलब ऑल ओवर, मतलब चार पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, जैसे तो फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, व्हाइल जाति इज अ टेकन टू अ रीजनल और लोकल सब क्लासिफिकेशन इन्वॉल्विंग अ मच मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट। तो जाति के अंदर क्या होता है, जैसे काफी ज्यादा डिवाइडेड है, जैसे आपको पता, ब्राह्मण के अंदर काफी सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है? ऐसे क्षत्रिय भी काफी सारी कैटेगरी आती हैं, लेकिन ये जो ब्रॉडली डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये हो गया वर्णा, ठीक है? और आप कह सकते हो कि इंडिया सोसाइटी इसमें डिवाइडेड है। अब जाति का मतलब होता है कि काफी सारी सबकास्ट और उस और उनके अंदर भी सबकास्ट जो बनी हुई है, ये जाति के अंदर आता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है? तो जाति बहुत सारी है इंडिया में, थाउजेंड्स है, वर्णा चार है। अब देखते हैं, कास्ट सिस्टम स्टूड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स सो दैट इट्स मिसलीडिंग टू थिंक ऑफ द सेम सिस्टम कंटिन्यूइंग फॉर 3000 ईयर्स। तो पहले जो था कास्ट सिस्टम, वो क्या था कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप यही काम करोगे, ठीक है? अब क्या हो गया है, अब तो ऐसा है नहीं कि ब्राह्मण है तो अगर वो प्रिस्टली एक्टिविटीज ही करेंगे, या क्षत्रिय हैं तो वो वॉरियर एक्टिविटीज या युद्ध में जाएंगे ऐसा करेंगे, ऐसा तो है नहीं।
जैसे अब मिलिट्री हमारा देखें तो मिलिट्री सिस्टम में ऑल फोर कास्ट आर देयर इन इंडिया, तो अब कास्ट सिस्टम चेंज हो गया है। कास्ट सिस्टम थोड़ा सोशल ऑर्डर से एसोसिएट हो गया है। सोशल ऑर्डर मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे ब्राह्मण्स को थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्षत्रिया को उनसे नीचे, वैश्या को उनसे नीचे, शूद्र को उनसे भी नीचे, ऐसा माना जाता है सोशल ऑर्डर। लेकिन जब आप वो देखें वैदिक टाइम्स में क्या था कि आपके स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड में जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक था, उसमें ये था कि अगर आपकी कास्ट, लेट से कुछ कोई स्पेसिफिक कास्ट है, तो आप वही काम करोगे। जैसे कायस्था कास्ट आया था आगे चल के, तो अकाउंट कीपर्स थे, राइट? सो अब देखते हैं, इट इज ओनली इन द पोस्ट वैदिक पीरियड दैट कास्ट बिकेम अ रिजिड इंस्टीट्यूशन दैट इज फैमिलियर टू अस फ्रॉम वेल नोन डेफिनेशंस। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब 600 BC के बाद से, जब बुद्धिज्म पीरियड भी आया था, तब से कास्ट सिस्टम रिजिड बन गया है। रिजिड का मतलब क्या है कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण वही काम करोगे, अगर आप शूद्र हो तो लाइफ टाइम आप शूद्र ही रहेंगे। अदरवाइज इससे पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप वॉरियर बन जाते हो, आप युद्ध में जाते हो, ठीक है, तो आप क्षत्रिय क्लास में हुए। अगर आप कुछ प्रिस्टली एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण कैटेगरी में हुए। अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो तो आप वैश्या कैटेगरी में हुए। लेकिन अब रिजिड हो गया है कास्ट सिस्टम। और चीजें हम समझते हैं, द मोस्ट कॉमनली साइटेड डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ कास्ट आर द फॉलोइंग। तो कास्ट के बारे में हम समझते हैं कि क्या है। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट, लीव इट और चूज नॉट टू ज्वाइन इट, ऑल्दो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर अ पर्सन मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर कास्ट। सो गांव में काफी बार आपने सुना होगा कि पंचायत ने किसी किसी को उसकी कास्ट से निकाल दिया, सोशल आउटकास्ट जिसको कहते हैं, तो ये होता है। लेकिन अगर आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि अगर आप रिलीजन भी चेंज कर रहे हो तो कास्ट आपकी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कन्वर्ट हो गए, लेट से आप मुस्लिम और हिंदू में कन्वर्ट हो गए, तो आप बोलो कि नहीं, मेरे को तो एससी कैटेगरी में जाना है और मेरे को रिजर्वेशन चाहिए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं कि और मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज, ये भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद कास्ट मेंबरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, वट काइंड ऑफ फूड मे और मे नॉट बी ईटन इज प्रिस्क्राइब्ड, एंड हु वन मे शेयर फूड विद इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। सो कास्ट सिस्टम में कहा जाता है कि आप ये वाले फूड खाओगे, आप ये वाले फूड नहीं खाओगे। जैसे कहा जाता था कि नॉन वेजिटेरियन जो है शूद्र ही खाते हैं और कोई नहीं खाता, और ब्राह्मण स्पेशली गार्लिक भी नहीं खाते, ऑनियन भी नहीं खाते, ऐसे स्पेसिफाइड था, राइट? डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट था। अब ऐसा है कि कास्ट इन्वॉल्व्स, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कास्ट अरेंज्ड इन ए हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। तो आपको ये पॉइंट तो आई होप क्लियर होगा कि रैंक और स्टेटस आपकी डिफाइन कर देती है कास्ट। इन थ्योरी एवरी पर्सन हैज अ कास्ट एंड एवरी कास्ट हैज अ स्पेसिफाइड प्लेस इन द हायरार्की ऑफ ऑल कास्ट। व्हाइल द हायरार्किकल पोजीशन ऑफ मैनी कास्ट पर्टिकुलरली इन द मिडल रैंक्स मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की। सो हायरार्की हमेशा होती है कास्ट में। अगर 100 कास्ट है तो 100 कास्ट की हायरार्की होगी, और ये हायरार्की को अंग्रेज आके बिल्कुल नोट डाउन कर देंगे। इसकी वजह से रिजिडिटी जो है सोसाइटी में और बढ़ गई। कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन विद इन, फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन विद इन देमसेल्व्स, दैट इज कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सब कास्ट एंड समटाइम्स सब कास्ट में ऑल्सो हैव सब कास्ट, दिस इज रिफर्ड टू ए सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला पॉइंट तो आई होप आपको क्लियर होगा इंडिया में कि सब कास्ट है, उसके अंदर भी कास्ट है, फिर उसके अंदर भी कास्ट है, और हर इवन रिलीजन्स, इवन डिफरेंट रिलीजन्स में भी ऐसा है, मुस्लिम्स में भी ऐसा है, आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाएगा और आपको आपको और रिलीजन्स में भी मिल जाएगा। ये यूनिक फीचर है सब कॉन्टिनेंट का, ऐसा कहीं और नहीं होता। कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, जो मैंने भी आपको बताया, अ पर्सन बॉर्न इनटू अ कास्ट कुड ओनली प्रैक्टिस द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद दैट कास्ट, सो दैट ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी, दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऑन द अदर हैंड, ऑक्यूपेशन कुड ओनली बी परस्यूड बाय द कास्ट एसोसिएटेड विद इट, member of other caste could not enter that occupation। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कास्ट के हिसाब से आपकी ऑक्यूपेशन डिटरमाइन कर दी गई। ये जो देखिए लेफ्ट में जो अभी ज्योतिराव गोविंद राव फूले हैं, जिनको गोविंद राव फूले ज्यादा पॉपुलर है, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट नाम आता है। इन्होंने काफी वर्क करा है इन द इमेंसिपेशन ऑफ वेरियस कास्ट।
जैसे यहाँ पे लिखा है, ही डिनाउंस द इनजस्टिस एंड कास्ट सिस्टम एंड स्कॉन्ड इट्स रूल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. इन 1873 ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी. ये आप याद रखना कि सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले ने शुरू करा था, विच वॉज डिवोटेड टू सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर लो कास्ट पीपल. तो ये इंपॉर्टेंट है. और इनका आप टाइम पीरियड भी देख लीजिए, टाइम पीरियड भी काफी बार इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये लिखा देखिए 19 सेंचुरी में थे, 1827 से लेके 1890. उसके बाद एक और पर्सन थे जो हमने ऊपर अभी मिस कर दिए थे, ये थे अय्यंकली. ठीक है, अय्यंकली 1863 से लेके 1914. अय्यंकली केरल में थे एंड ही वॉज अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट एंड दलित. विद हिज एफर्ट्स दलित गॉट द फ्रीडम टू वॉक ऑन पब्लिक रोड्स एंड दलित चिल्ड्रन वर अलाउड टू जॉइन स्कूल्स. तो इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन था अय्यंकली केरल में. ठीक है, दलित के लिए काम करा. और यहाँ पे ज्योतिराव फूले और इनका सत्य शोधक समाज है. थ्योरेटिकली कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, वन बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन एंड अदर ऑन होलिज्म एंड हिरार्की. तो एक तो डिफरेंस और सेपरेशन हो जाता है एक दूसरे कास्ट में, और उसके बाद सेकंड है कि आप एक ही कॉमन सिस्टम में जुड़ गए हो जिसमें हिरार्की है. दीज डिफरेंट एंड सेपरेटेड कास्ट डू नॉट हैव एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अदर इन द टोटलिटी ऑफ सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कास्ट. सो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कास्ट, जस्ट बोल दीजिए वैश्य. अब वैश्य तो अकेले कुछ है नहीं, ऐसे ही अगर आप और भी कास्ट को डिफाइन कर दे, भूमियार जैसे कास्ट हो गई, या और भी कोई आप स्पेसिफिक कास्ट ले लें, वो अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है. वो तभी चल सकती है जब और किसी कास्ट से कंपेयर किया जाए. इसलिए ये एक हिरार्किकल सिस्टम है और सब कास्ट एक दूसरे के साथ ही चल सकती हैं, राइट? तो मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी में कास्ट का कोई रोल नहीं होगा. Historians believe that those who were defeated in wars were often assigned low caste status. तो ऐसे जो है caste भी change हुआ. ठीक है, आपकी caste change हो जाती है अगर आप war में हार गए. और ऐसा भी है कि different regions में different different caste होगी, different different hierarchy होगी. उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि आप एक region में आपकी hierarchy में ऊपर हो और दूसरे region में आप hierarchy में नीचे हो. यही रीजन है कि एससी एसटी जो है स्टेट लेवल पे डिटरमाइन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें. तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कास्ट एससी होगी, कौन सी एसटी होगी. और ये अभी उत्तर प्रदेश के लिए केस भी चला था, आपको पता होगा कि यूपी ने उनको एससी घोषित कर दिया था, जबकि उनके पास वो पावर है ही नहीं. ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में. ऐसी सावित्री बाई फूले है राइट में. सावित्री बाई फूले was the first head mistress of the country's first school for girls in Pune. तो ये fact आपको याद रखना जरूरी है. She devoted her life to educating Shudras and Ati Shudras. She started a night school for agriculturists and laborers. She died while serving plague patients. तो इनका काफी important role है. She was head mistress of the country's first school for girls in Pune. So girls और lower caste के लिए इन्होंने काफी काम करा. इनका नाम है सावित्री बाई फूले. अब देखते हैं कोलोनियलिज्म और कास्ट, इन दोनों का क्या रिलेशन है. फर्स्ट बिगन इन 1860s, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लॉर्ड मायो के टाइम में 1860s में सेंसस शुरू हुआ था. और सेंसस बिकेम अ रेगुलर 10 ईयरली एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट फ्रॉम 1881. ठीक है, उसके बाद 1901 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ. इसमें क्या हुआ ये देखते हैं. 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट रिसले, ये आपको नाम याद नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है. 1901 सेंसस हुआ, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज ए सॉट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल हिरार्की ऑफ कास्ट, दैट इज सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पर्टिकुलर रीजन्स एज टू द पोजिशन ऑफ ईच कास्ट इन द रैंक ऑर्डर. तो इन्होंने क्या किया, 1901 में नोट डाउन कर दिया ये कास्ट की ये रैंक है. ठीक है, ओवरऑल स्कॉलर्स फील दैट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट अटेम्प्ट to count caste and to officially record caste status changed the institution itself. Before this kind of intervention, caste identities had been much more fluid and less rigid, and once they began to be counted and recorded, caste began to take on a new life. So friends, baat ye hai ki ek baar koi cheez likh di jaye to wo
मान्य हो जाती है, मतलब वो रूल्स बन जाता है, वो एक चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यही किया 1901 में, कि उन्होंने कास्ट की हायरार्की कर दी, किस कास्ट में कितने लोग हैं ये भी बता दिया। तो इससे क्या हो गया कि सिस्टम रिजिड बन गया। पहले क्या था कि एक कास्ट दूसरे कास्ट के ऊपर बन जाती थी, लोग अपनी कास्ट भी चेंज कर लेते थे, और रीजन टू रीजन भी चेंजेस अलग अलग थे, मतलब सब इनफॉर्मल सिस्टम था। आप ऐसे अगर आपको लिखना हो, अर्लियर द सिस्टम वॉज इनफॉर्मल कास्ट सिस्टम, नाउ द सिस्टम वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, और कास्ट जो है वो रिजिड बन गया कास्ट सिस्टम। और यहीं से शुरू होगा कास्ट का, जो आप मॉडर्न कास्ट सिस्टम देखते हैं ये भी यहीं से शुरू होगा। हाँ, कास्ट तो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन वो इतनी वो सोशल चीज थी, अब तो ये सोशल रिजिडिटी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड रिलेटेड अरेंजमेंट्स एंड लॉस सर्व्ड टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू द कस्टमरी राइट्स ऑफ द अपर कास्ट। राइट, सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में, और जो अदर लॉज थे, दे सर्व टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू द कस्टमरी राइट्स ऑफ द अपर कास्ट। दीज कास्ट नाउ बिकेम लैंड ओनर्स इन द मॉडर्न सेंस रदर देन फ्यूडल क्लासेस विद क्लेम्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड और क्लेम्स टू रेवेन्यू और ट्रिब्यूट ऑन वेरियस काइंड्स। सो जो अपर कास्ट थे उन्हें लैंड राइट्स मिल गए। इट वॉज एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स इट वॉज एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ड विच गेव लीगल रिकॉग्निशन टू द लिस्ट और शेड्यूल्स ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स मार्किंग आउट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। सो इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था शेड्यूल कास्ट को। दिस इज हाउ द टर्म्स शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, क्योंकि इनको शेड्यूल में डाल दिया गया। वॉज तो 1935 एक्ट वॉज पास्ड विच गेव लीगल रिकॉग्निशन टू द लिस्ट और शेड्यूल ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स, तो यहां से शेड्यूल में डाल दिया गया, इसलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। 2016 यूपीएससी के GS2 में पेपर भी आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को शेड्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो शेड्यूल में है इसलिए। अब देखते हैं पेरियार के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेरियार ईवी रामास्वामी नेकर, इनका असली नाम, इज नोन एज अ रैशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ही अराउज पीपल टू रियलाइज दैट ऑल मैन आर इक्वल and that it is the birthright of every individual to enjoy liberty and equality। so आप ये याद रखना कि साउथ इंडिया के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे ईवी रामास्वामी नेकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। अब देखते हैं कास्ट प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, आजकल कैसे चल रहा है, उससे उसके बाद हम देख लेते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केरल में थे, ही प्रीच्ड ब्रदरहुड फॉर ऑल एंड फॉट अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही लेड अ क्वाइट बट सिग्निफिकेंट सोशल रेवोल्यूशन एंड गेव द वॉच वर्ड्स वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। क्या है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, ये किसने बोला है, ये बोला है श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने, जिन्होंने लोअर लेवल पे काफी काम करा था। ऑन द वन हैंड द स्टेट वॉज कमिटेड टू द अबॉलिशन ऑफ कास्ट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है 1947 के बारे में, बाद में। On the one hand, the state was committed to the abolition of caste and explicitly wrote in this into the constitution. On the other hand, the state was both unable and unwilling to push through radical reforms which would have undermined the economic basis for caste inequality. So, ये क्या हुआ कि देखिए, तो वो caste को abolish करना चाहते थे। Caste की सबको negativity पता है। काफी लोग बोलते भी हैं कि caste को abolish क्यों नहीं कर देते। इसके लिए work भी करा सरकार ने, काफी प्रमोट भी करा, इंटरकास्ट मैरिज भी प्रमोट करी, और थोड़ा सोशल ऑर्डर में भी चेंज लाए कि ऊपर लाए हम लोअर कास्ट को, लेकिन वो एक कर नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने सेकंड चीज क्या की, उन्होंने सेकंड चीज रिजर्वेशन दे दी, जो अफर्मेटिव एक्शन था। अब इससे क्या हुआ कि कास्ट जो है वो अगेन और रिजिड बन गई। सेकेंडली, कास्ट के बेसिस पे वोट मांगने लगे, तो कास्ट के बेसिस पे वोट मांगने लगे। उसके बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। दलित पैंथर्स के बारे में अगर आपने सुना हो महाराष्ट्र में, उसके बाद आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी आ गई। तो कास्ट जो है वो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ऑन द अदर हैंड द स्टेट वॉज बोथ अनेबल एंड अनविलिंग टू पुश थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स विच वुड हैव अंडरमाइंड द इकोनॉमिक बेसिस फॉर कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट के बेसिस पे तो देखिए वोट मिलते हैं, तो इसलिए सरकार पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए उसे हटाना ही नहीं चाहती। In other words, in the decades immediately after independence, the state did not make sufficient effort to deal with the fact that upper caste and the lower caste
were far from equal in economic and educational terms. तो ज्यादा एफर्ट नहीं डाला टू बी ऑनेस्ट सरकार ने टू रिमूव द कास्ट सिस्टम, और उसी की वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो दिन पर दिन स्ट्रांग होता गया और अब तो और स्ट्रांग होता जा रहा है। अब अबॉलिशन के लिए मल्टीपल चीजें कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन वो कर नहीं पाई ड्यू टू मैनी रीजंस। जैसे यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, देखिए, अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स टुक नो अकाउंट ऑफ कास्ट, दस लीविंग द वेल एजुकेटेड अपर कास्ट एंड द इल एजुकेटेड और ऑफन इलिटरेट लोअर कास्ट टू कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जब जैसे कोई स्टील प्लांट खोला किसी जगह पे तो सब एप्लीकेशंस बुलाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका नोट नहीं रखा कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट देखिए पहले से ही बहुत आगे थे और इसकी वजह से लोअर कास्ट का भी कम्पीट ही नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी जॉब्स आई ना 1947 के बाद वो सारी की सारी अपर कास्ट लोगों ने एक्वायर कर ली, लोअर कास्ट के लोग एक्वायर कोई भी जॉब कर ही नहीं पाए। बस गवर्नमेंट ने एक एफर्ट डाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रिजर्वेशन दिया एससी एंड एसटीज को, जिससे जिसके जो इफेक्ट हैं चेंज होने में टाइम लग रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है। उसके बाद देखते हैं, देखिए, रिक्रूटमेंट टू इंडस्ट्रियल जॉब्स वेदर इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई और जूट मिल्स ऑफ कोलकाता और एल्सवेयर कंटिन्यूड टू बी ऑर्गेनाइज्ड अलोंग कास्ट and kinship based lines, the middle man who recruited labor for factories tended to recruit them from their own caste and region, so that particular departments or shop floors were often dominated by specific caste. Prejudice against the untouchables remained quite strong and was not absent from the city, though not as extreme as it could be in the village. So prejudice to rehta hi hai cities mein bhi hai untouchables ke against, even abhi bhi hai. Aur azadi ke baad jo hua, jo hiring hui hai in industries mein, वो मिडल मैन करते थे, और मिडल मैन अपनी मिडल मैन भी देखिए अपर कास्ट के ही होते थे, और जो वो कास्ट के होते थे उन्हीं कास्ट के लोगों को हायर किया करते थे, उन्हीं कोई अपॉर्चुनिटी दिया करते थे, बाकी सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया करते थे, और उन्होंने कास्ट भी अपनी प्रमोट करी, साथ साथ अपना रीजन भी प्रमोट करा। इसकी वजह से एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही बेनिफिट मिल पाया आफ्टर इंडिपेंडेंस। वाइल सम बाउंड्रीज मे हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल और पोरस, the borders between groups of caste of similar socio-economic status are still heavily patrolled. ठीक है, for example, intercaste marriages within the upper caste may be more likely now than before, but marriages between an upper caste and backward or scheduled caste person remain rare even today. So देखिए, ब्राह्मण बनिया और राजपूत में तो देखिए अभी भी मैरिज हो जाती है, क्यों, एक दूसरे में, मतलब ठीक है, एक दूसरे में मैरिज हो जा रही है ब्राह्मण बनिया राजपूत में, क्यों, क्योंकि ये सब अपर कास्ट के हैं, लेकिन मैरिज बिटवीन ब्राह्मण और लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट हो गया वो अभी भी नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अभी भी। तो इसलिए स्टेटमेंट लिखा गया है, व्हाइल सम बाउंड्रीज मे हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल और पोरस, द बॉर्डर्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ कास्ट ऑफ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस are still heavily patrolled. Since the 1980s, we have also seen the emergence of explicitly caste-based political parties, जो मैंने आपको बताया था, Dalit Panthers 1970s में आए थे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आई। अब देखते हैं संस्कृताइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है संस्कृताइजेशन का मतलब होता है, it refers to a process whereby members of a usually middle or lower caste attempt to raise their social status by adopting the ritual, domestic and social practices of the caste of higher status. So Sanskritization का मतलब ये होता है कि जो lower caste के लोग हैं वो अपना social status better करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो upper caste के लोग हैं उनके जो तरीके हैं उनको अपनाते हैं, जैसे vegetarian खाना खाना, जैसे thread पहनना जो upper caste के लोग पहनते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, the patterns for evaluation chosen most often were ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट, इन दोनों को चूज किया गया कास्ट को, और प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, वेयरिंग ऑफ सेक्रेट थ्रेड, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड सो ऑन। सो इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवासन ने दिया था, ये जो राइट में है, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। इसी डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं इसको भी हम। डोमिनेंट कास्ट इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू दोज कास्ट which had a large population
and were granted land rights by the partial land reforms effected after independence. So dominant caste हर state में अलग अलग है. जैसे dominant caste का एक example ले सकते हैं कि हरियाणा में जाट्स, ऐसे ही और regions में आप example ले सकते हैं dominant caste का. इन्होंने इनको क्या हुआ, डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या है, डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये याद रखना. अपर कास्ट तो जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है. अब डोमिनेंट कास्ट क्या है, जिनको लैंड राइट्स दे दिए गए हैं आफ्टर दी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इनके पास लैंड है. तो लैंड है तो मतलब पावर है. सो लैंड रिफॉर्म्स टुक अवे राइट्स फ्रॉम द अर्नसफाइल क्लेमेंट्स द अपर कास्ट हु वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स इन द सेंस दैट दे प्लेड नो पार्ट इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी अदर देन क्लेमिंग देयर रेंट. सो लैंडलॉर्ड्स होते अपर कास्ट के थे पहले. लैंडलॉर्ड्स का मतलब है जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट, आई होप आपको क्लियर हो. तो परमानेंट सेटलमेंट में जो जमींदार थे वो अपर कास्ट के थे, उनसे जमींदारी अबॉलिश कर दी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस. लैंड रिफॉर्म्स किए गए, उनसे लैंड राइट्स ले लिए गए, और लैंड राइट्स किसको दिए गए, डोमिनेंट कास्ट को. सो यही लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स टुक अवे राइट्स फ्रॉम द अर्नसफाइल क्लेमेंट्स द अपर कास्ट हु वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. एब्सेंटी मतलब ये खेती में कोई काम नहीं करते थे, इनका कोई लेना देना भी नहीं था, इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं था फील्ड से. इन द सेंस दैट दे प्लेड नो पार्ट इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी अदर देन क्लेमिंग द रेंट. दीज लैंड राइट्स नाउ केम टू बी वेस्टेड इन द नेक्स्ट लेयर ऑफ क्लेमेंट्स, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बट वर नॉट देमसेल्व्स द कल्टिवेटर. दीज इंटरमीडिएट कास्ट इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द लेबर ऑफ द लोअर कास्ट इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक स्पेशली द अनटचेबल कास्ट फॉर टिलिंग एंड टेंडिंग द लैंड. सो इंटरमीडिएट जो कास्ट थे जिनका एसोसिएशन था लैंड से, जो कल्टिवेटर्स को यूज किया करते थे, उनको लैंड राइट्स मिल गए. और जो लोअर लेवल पे जो काम करते थे जैसे शूद्र वगैरह अनटचेबल, उनको तो कोई लैंड राइट्स नहीं मिले, ठीक है. ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप फिर से रीड कर लें. अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें. दस दिस इंटरमीडिएट कास्ट बिकेम द डोमिनेंट कास्ट इन द कंट्री साइड एंड प्लेड अ डिसिसिव रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स एंड एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्जाम्पल ऑफ सच कास्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सच कास्ट, इट इंक्लूड्स यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ऐसी वोक्कालिगास ऑफ कर्नाटक, रेडीज एंड खम्मास ऑफ आंध्र प्रदेश, मराठाज ऑफ महाराष्ट्र, जाट्स ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात. अब आप एक ट्रेंड अगर नोटिस करें तो अब जो रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है वो इसी ग्रुप में से ज्यादा हो रही है. क्यों? क्योंकि देखिए इनके पास लैंड राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, और इसका मतलब इनके पास पावर है. पावर कैसी पावर, पावर मतलब पॉलिटिकल पावर. लैंड राइट्स होने से वैसे तो वेल्थ पावर आती है, सोशल स्टेटस भी सुधरता है, लेकिन पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है. तो इन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है. तो अब ये रिजर्वेशन भी आप देखें तो यही डिमांड कर रहे हैं. एक इशू क्या है, देखिए इनके पास लैंड राइट्स तो हैं लेकिन इनका एजुकेशनल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अच्छा नहीं है, राइट. मतलब इनको, इनके पास लैंड है लेकिन इनके पास जॉब्स नहीं है, राइट. इनके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस नहीं है. ये जनरल एक डोमिनेंट ट्रेंड है. और मतलब इसमें कोई, आई होप अगर आप इसी किसी कास्ट में हो या आप किसी और कास्ट में भी हो, आई होप ये आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे, रेदर देन आप इसको इमोशनल वे में ले, तो इसको पॉजिटिवली लेना होगा, ठीक है. तो एग्जांपल्स ऑफ सच डोमिनेंट कास्ट इंक्लूड द यादव्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश, वोक्कालिगास ऑफ कर्नाटक, रेडीज एंड खम्मास ऑफ आंध्र प्रदेश, मराठास ऑफ महाराष्ट्र, जाट्स ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात. तो ये सब जो है ये डोमिनेंट कास्ट है, इनके पास लैंड राइट्स है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अपर कास्ट और डोमिनेंट कास्ट अगर वर्ड लिखा हो तो वो वर्ड अलग अलग है. और चीजें देखते हैं. इन पर्टिकुलर द अपर कास्ट एलाइट वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द सब्सिडाइज्ड पब्लिक एजुकेशन, स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन एंड मैनेजमेंट. तो आपको पता ही है कि हमारी जो एजुकेशन है वो सब्सिडाइज्ड है, वो काफी चीप रेट पे है. तो इससे अपर कास्ट लोगों का स्पेशली फायदा हुआ क्योंकि लोअर कास्ट तो वैसे ही नहीं पढ़ पाए, ठीक है. लोअर कास्ट लोग जो थे वो तो वैसे ही नहीं पढ़ पाए, शेड्यूल कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए. शेड्यूल ट्राइब तो पढ़ने का मतलब अभी अभी रिसेंटली कुछ सुधर रहा है, वरना तो पहले उनकी भी स्टेटस तो बहुत ही पुअर था. तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन का, सब्सिडी, इवन सब्सिडी, ओवरऑल सब्सिडी का, वो हुआ अपर कास्ट लोगों को. और ये भी इलाइट, ठीक है, इनके पास पैसा भी था. इन दिस पीरियड देयर लीड ओवर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंश्योर्ड दैट दे डिड नॉट फेस एनी सीरियस कंपटीशन. तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हो.
Certainly for the third generations from these groups, their economic and educational capital alone is quite sufficient to ensure that they will continue to get the best in terms of life chances. Although the privileged as a group are overwhelmingly upper caste, not all upper caste are privileged and some being poor. So aisa nahi hai ki all upper caste people are rich, some are poor also. That's why reservation demand change hoti ja rahi hai. That's why government ne abhi 10% economically weaker section ko reservation diya hai. Kyun? Kyunki 10% economically weaker section ko diya hai irrespective of ki aap kisi bhi caste se ho, kisi bhi religion se ho. Kyun diya hai? Kyunki unme se kafi log poor bhi hain. और यहाँ पर जो ऊपर लाइन लिखी थी इसका मतलब ये था कि जैसे जिन्होंने बेनिफिट ले लिया है ना 1947 के बाद अपर कास्ट ने बेटर एजुकेशनल अवेलेबिलिटी का, जिसमें कंपटीशन भी कम था एजुकेशन में पहले, राइट, क्योंकि कुछ ही लोग पढ़े हुए होते थे तो कुछ ही जॉब्स थी, कुछ ही लोग पढ़े हुए होते थे, सफिशेंट जॉब्स थी, तो वो जॉब्स उन्होंने ली, ऐसे ही उनके बच्चों को उन्होंने और पढ़ाया, उन्होंने और बेटर जॉब ली, फिर उनके बच्चे हुए उन्होंने और बेटर जॉब्स ली, तो ऐसे ऐसे कंडीशन सुधरती गई. On the other hand, जो lower caste थे उनकी condition नहीं सुधर पाई. For the so-called scheduled castes and tribes and the backward castes, the opposite has happened. Opposite मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब उनको आजादी के बाद ही jobs नहीं मिली, आजादी के बाद ही जब उन्हें education में seats नहीं मिली, तो उनकी जो further जो generations थी वो भी आगे नहीं बढ़ पाई. इसमें हाँ कुछ SC ST का और कुछ backward caste का फायदा हुआ जो elite section में थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम didn't get any jobs, right? The juxtaposition of these two groups, a seemingly caste-less upper caste groups and an apparently caste-defined lower caste group is one of the central aspects of the institution of caste in the present. ठीक है, ये दो ग्रुप हैं जिसमें a seemingly caste-less upper caste और apparently caste-defined lower caste. अब ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो अराउंड 8% है. ठीक है, अब देखते हैं ट्राइब्स वर कम्युनिटीज दैट डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन विद अ रिटर्न टेक्स्ट, डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द नॉर्मल काइंड, डिड नॉट हैव शार्प क्लास डिविजन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे डिड नॉट हैव कास्ट एंड वर नीदर हिंदूज नॉर पीजेंट्स. द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन द कोलोनियल एरा. तो ट्राइब जो टर्म है वो कोलोनियल एरा में इंट्रोड्यूस हुई. तो अगर मॉडर्न सेंस में देखा जाए तो ट्राइब का मतलब क्या होता है, दे आर वेरी ओल्ड, बीइंग अमंग द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स, और ये कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करते थे, विद अ रिटर्न टैक्स, मतलब रिलीजन प्रैक्टिस करते थे बट वो रिटर्न टैक्स के साथ नहीं था, और काफी ट्राइबल रिलीजन था उनका, और डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द नॉर्मल काइंड, एंड कोई क्लास डिविजन नहीं था उनका, उनके में कोई कास्ट डिविजन नहीं थे, और ना हिंदूज थे ना पीजेंट्स. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, परमानेंट ट्रेड्स क्या है. देखिए 85% ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन, कहाँ पे रहते हैं, मिडल इंडिया में. ठीक है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स लिव इन मिडल इंडिया, ये आप याद रखना, 85% को आप नॉर्थ ईस्ट में मत कह देना. अ वाइट बैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट विद मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश फॉर्मिंग द हार्ट ऑफ दिस रीजन. इसलिए यहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी होता है जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं. इफ वी लुक एट द शेयर ऑफ द ट्राइबल्स इन द स्टेट पॉपुलेशन देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन विद ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 30% एंड सम लाइक अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड विद मोर देन 60 एंड अप टू 90% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. तो परसेंटेज वाइज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है, लेकिन 85% ऑफ द ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, मिड सेंट्रल इंडिया में. अगर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज देखा जाए तो ट्राइब्स की लैंग्वेज क्या क्या है, ट्राइब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, टू ऑफ देम आर इंडो आर्यन एंड द्राविडन, आर शेयर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज वेल, एंड ट्राइब्स अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द फॉर्मर एंड अबाउट 3% ऑफ द लेटर. तो 1% इंडो आर्यन है लैंग्वेज उनकी और 3% द्राविडन है. द अदर टू लैंग्वेज ग्रुप्स आर ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन. तो इंडिया इज द नेशन ऑफ नेशंस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैसे इस साल UPSC ने पूछा है, तो आप इसका एग्जांपल अच्छा दे सकते हैं कि इंडिया नेशन ऑफ नेशन क्यों है. इंडो आर्यन द्रविड़न लैंग्वेज तो हाँ वो बोलते हैं, लेकिन मोस्टली वो ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. द आर प्राइमरी स्पोकन बाय ट्राइबल्स हु अकाउंट फॉर ऑल ऑफ द फर्स्ट एंड ओवर 80% ऑफ द सेकेंड ग्रुप. ठीक है,
द अदर टू लैंग्वेज ग्रुप्स ऑस्ट्रिक जो है आर प्राइमली स्पोकन बाय ट्राइबल्स हु अकाउंट फॉर ऑल ऑफ द फर्स्ट, मतलब ऑस्ट्रिक तो सभी वही बोलते हैं, 80% ऑफ द सेकंड ग्रुप जो तिब्बत और बर्मन इंडिया में बोली जाती है वो ट्राइब्स ही बोलते हैं. इन फिजिकल रेशियल टर्म्स ट्राइब्स आर क्लासिफाइड अंडर नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइट, मॉन्गोलाइट, द्रविडन और आर्यन कैटेगरीज. द लास्ट टू आर अगेन शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 8.6% जो पॉपुलेशन है या अबाउट 104 मिलियन वो ट्राइबल है इंडिया में. क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स देखते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्वायर्ड ट्रेड्स यूज टू मेन क्राइटेरिया, मोड ऑफ लिवलीहुड एंड द एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. ऑन द बेसिस ऑफ लिवलीहुड ट्राइब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, शिफ्टर, कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. हाउएवर द डोमिनेंट क्लासिफिकेशन बोथ इन द एकेडमिक सोशियोलॉजी एज वेल एज इन पॉलिटिक्स and public affairs is the degree of assimilation into Hindu society. Assimilation can be, assimilation मतलब society, वो हम मतलब बाकी की तरह ही होते जा रहे हैं, ठीक है. Assimilation can be either from the point of view of the tribes or as has been most often the case from the point of view of the dominant Hindu mainstream. From the tribes point of view, apart from the extent of assimilation, attitude towards Hindu society is also a major criteria with differentiation between tribes that are positively inclined towards Hinduism and those who resist or oppose. So, काफी लोग जो हैं tribes वो हिंदू में merge होना चाहते हैं, assimilate होना चाहते हैं, उन्हें कोई issue नहीं है और काफी जो हैं वो merge नहीं होना चाहते. From the mainstream point of view, tribes may be viewed in terms of the status accorded to them in Hindu societies, ranging from the high status given to some and to the generally low status accorded to most. So, हिंदू सोसाइटी में काफी ट्राइब्स को ऊपर स्टेटस दिया गया, अच्छा स्टेटस, अच्छा सोशल ऑर्डर, और काफी को लोअर सोशल स्टेटस दिया गया अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेट्स में. तो ऐसे ये लिवलीहुड के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया जाता है और सेकेंड इन्हें क्लासिफाई किया जाता है एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंटू हिंदू सोसाइटी और काफी को दोनों के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है. अब ट्राइब के देखते हैं द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट. दोज हू आर्ग्यूड फॉर द कंटिन्यूम सॉ tribes as not being fundamentally different from caste peasant society but mere less stratified fewer levels of hierarchy and with a more community based rather than individual notion of resource ownership. To kya hai, dekhiye kafi log kehte hain ki caste jo hai ye tribes jo hain hamari tarah hi hain. Kafi opponent jo hain is theory ke wo kehte hain ki tribes jo hain wo bilkul alag hain aur unhe apne tarike se jeene do. To jo kehte hain ki कास्ट हमारी तरह ही है वो कहते हैं कि दे आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट पीजेंट सोसाइटी बट मेयर लेस स्ट्रेटिफाइड एंड विद अ मोर कम्युनिटी बेस्ड रादर देन इंडिविजुअल नोशन ऑफ रिसोर्स ओनरशिप. तो कम्युनिटी ओनरशिप है ट्राइब्स की, तो मतलब कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब क्या है, जैसे कोई एक पॉन्ड है या कोई एक लेक है तो उस पर सबकी एक्सेस होगी, या कोई ट्रीज है जैसे फॉरेस्ट में तो उस पर सबकी एक्सेस होगी. इसलिए ही फॉरेस्ट ट्राइब्स एक्ट 2006 कम्युनिटी राइट्स देता है उनको अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल राइट्स. अब देखते हैं ओपोनेंट्स की थ्योरी. हाउएवर ओपोनेंट्स आर्ग्यू दैट ट्राइब्स वर होली डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बिकॉज दे हैड नो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विच इज सेंट्रल टू द कास्ट सिस्टम. सो हिंदू कास्ट सिस्टम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, ये ओपोनेंट्स कहते हैं. लेकिन दूसरे वाले जो मैंने आपको पहले बताए थे दे आर नॉट, वो कहते हैं कि दे आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट पीजेंट सोसाइटी, जिससे पीजेंट कास्ट सोसाइटी होते हैं वैसे ही है वो, बट लेस स्ट्रेटिफाइड है, मतलब इतनी हायरार्की नहीं है उनमें और ये कम्युनिटी बेस्ड है. तो ये दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी कहती है कि दे आर डिफरेंट, एक थ्योरी कहती है दे आर ऑलमोस्ट सेम. सम इंडियन ट्राइब्स लाइक संथल, गोंड्स, भिल्स आर वेरी लार्ज एंड स्प्रेड ओवर एक्सटेंसिव टेरिटरी. सर्टेन ट्राइब्स लाइक मुंडा, होस एंड अदर्स हैव लॉन्ग सिंस turned to settled agriculture and even hunting gathering tribes like the Birhors of Bihar employ specialized households to make basket press oil. It has also been pointed out in the number of cases that in the absence of other alternatives, caste or non-tribals have turned to hunting and gathering. ठीक है, तो मतलब ये different occupations हैं जो कर रहे हैं. संथल, गोंड और भिल्स जो है तो बहुत ही बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं, बहुत बहुत एरिया में रह चुके हैं. संथल आपने रिबेलियन पढ़ा भी होगा, 1854 से लेके 1856 में हुआ था. सर्टेन ट्राइब्स लाइक मुंडा, होस, अदर्स हैव
सिंस टर्न्ड टू सेटल एग्रीकल्चर. पहले वो हंटिंग गैदरिंग किया जाते थे, और इवन हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स लाइक बिरहोर्स ऑफ बिहार एम्प्लॉय स्पेशलाइज हाउस होल्ड टू मेक बास्केट्स. और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कास्ट कास्ट जो है, अगर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, मतलब कास्ट का मतलब क्या है, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है उसके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो भी हंटिंग गैदरिंग करेगा. तो ये समझाना चाह रहा है कि ट्राइब्स जो है दे आर ऑल्सो एसिमिलेटिंग इन द सोसाइटी, और वो सरकमस्टेंसेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंटली चेंज हो रहे हैं. सम स्कॉलर्स हैव ऑल्सो आर्ग्यूड दैट देर इज नो कोहरेंट बेसिस फॉर ट्रीटिंग ट्राइब्स एज प्रिस्टीन, दैट इज ओरिजिनल और प्योर सोसाइटीज अनकंटेमिनेटेड बाई सिविलाइजेशन. दे प्रपोज इंस्टेड दैट ट्राइब्स शुड रियली बी सीन एज सेकेंडरी फिनोमिना अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एंड कोलोनियलिस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स लाइक ट्राइबल्स. दिस कॉन्टैक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म. द ट्राइबल ग्रुप बिगिन टू डिफाइन देमसेल्व्स एज ट्राइबल्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द न्यूली एनकाउंटर्ड अदर्स. सो क्या हुआ, देखिए ट्राइबल्स का आउटसाइडर्स से इंट्रैक्शन पहली बार कब हुआ था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. तो सम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कोई कोहरेंट बेसिस नहीं है कि ट्राइब्स जो हैं वो प्रिस्टीन या ओरिजिनल ट्राइब्स हैं या प्योर कम्युनिटीज हैं, ये भी हमारी तरह ही है. दे प्रपोज इंस्टेड दैट ट्राइब्स शुड रियली बी सीन एज सेकेंडरी फिनोमिना अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एंड कोलोनियलिस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स लाइक ट्राइबल्स. और ट्राइबलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही इससे, क्योंकि वो ट्राइबल्स जो थे अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चाहते थे फ्रॉम आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स का नाम क्या कहते थे, दिकूस, ठीक है. मैनी ऑफ द सो कॉल्ड राजपूत किंगडम्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया एक्चुअली इमर्ज्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अमंग आदिवासी कम्युनिटी देमसेल्व्स. तो राजपूत किंगडम जो है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि राजपूत जो पूरी का पूरी एक सिस्टम है या पूरा का पूरा एक कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, तो आप देखेंगे कि काफी सारे जो है वो ट्राइब्स से ही आए हैं राजपूत किंगडम्स. सो ये आइडिया कहता है कि ट्राइब्स जो है वो पूरे पूरे डिफरेंट नहीं होते, इसलिए इसमें कहा गया कि दिस कॉन्टेक्ट इट सेल्फ क्रिएट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म. द ट्राइबल ग्रुप्स बिगिन टू डिफाइन देमसेल्व्स एज ट्राइबल्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द न्यूली एनकाउंटर्ड अदर्स. सो अपने आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए वो अपने आपको डिफरेंट दिखाया उन्होंने. दे प्रपोज इंस्टेड दैट ट्राइब्स शुड रियली बी सीन एज सेकेंडरी फिनोमिना अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सप्लॉइटेटिव एंड कोलोनियलिस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स लाइक द ट्राइबल्स. सो ये सारे देखिए कॉन्सेप्ट क्यों दिए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिए जाते हैं कि ट्राइब्स को हम कैसे ट्रीट करें, क्या ट्राइबल्स को हम टोटली इंटीग्रेट करा दें अपनी सोसाइटी में, ट्राइब्स को अपने अकॉर्डिंग रखें, ट्राइबल कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, तो ये सब जो है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग है. अब देखते हैं मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्राइब्स. फॉलोइंग द वेरियस रिबेलियंस इन ट्राइबल एरियाज इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज, द कॉलोनियल गवर्नमेंट सेट अप एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज वेयर द एंट्री ऑफ नॉन ट्राइबल्स वाज प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड. इन दीज एरियाज द ब्रिटिश फेवर्ड इनडायरेक्ट रूल थ्रू लोकल किंग्स और हेडमैन. सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये जो ट्राइबल एरियाज थे शुरू में तो इन्होंने देखिए काफी इंटरफेयर किया, राइट, उससे काफी रिबेलियन हुआ, लेकिन इन दी एंड क्या किया ब्रिटिशर्स ने इनके एरियाज को कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूड कर दिया गया और उस एरिया में किसी किंग को बिठा दिया गया. द आइसोलेशनिस्ट साइड आर्ग्यूड दैट ट्राइबल्स नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेडर्स मनी लेंडर्स हिंदू एंड क्रिश्चियन मशीनरीज ऑल ऑफ होम वर इंटेंट ऑन रिड्यूसिंग ट्राइबल्स टू डी ट्रबलाइज्ड लैंडलेस लेबर. तो देखिए मानना ये था कि आउटसाइडर्स आएंगे उनका लैंड ले लेंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे सोसाइटी में, इन दी एंड ट्राइबल्स का ही नुकसान होगा. अब देखते हैं इंटीग्रेशनिस्ट क्या कहते हैं. आइसोलेशनिस्ट ने तो ये बोला कि उनको आइसोलेट रखो, उनके लैंड को उनको अपने हिसाब से जीने दो. अब इंटीग्रेशनिस्ट बोलते हैं आर्ग्यू दैट ट्राइबल्स वर मेयरली बैकवर्ड हिंदूज एंड देयर प्रॉब्लम्स हैड टू बी एड्रेस्ड विद इन द सेम फ्रेमवर्क एज दैट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास. The opposition dominated the Constituent Assembly debates, which were finally settled along the lines of compromise, which advocated welfare schemes that would enable controlled integration. So, tribal sub plans बनाए गए, tribal welfare blocks बनाए गए. Finally, क्या choose किया गया? नेहरू की जो पंचशील policy थी tribal के लिए,
उसमें चूज किया गया कि ना हम एसिमिलेट करेंगे ना हम आइसोलेट करेंगे, हम उनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब हम हाँ उनको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट देते रहेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम पूरा पूरा इंटरफेयर कर देंगे उनके उनके अफेयर्स में। अब जैसे सर्व शिक्षा अभियान है तो उसमें भी ये फोकस किया गया कि ट्राइबल्स को हम एजुकेशन देंगे, ये उनका बेसिक राइट है। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस द ट्राइबल डेवलपमेंट। द कमिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड ट्राइबल्स हुज कम्युनिटी बेस्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप वर प्लेस्ड एट अ डिसएडवांटेज इन द न्यू सिस्टम। तो यही है लैंड ओनरशिप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है उनके लैंड छिनते जा रहे हैं, जैसे नेमगिरी हिल्स का भी आपने सुना होगा जो वेदांता का केस था। अ स्टेट लाइक त्रिपुरा हैज द ट्राइबल शेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन हाफ्ड विद इन अ सिंगल डिकेड रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी। सो त्रिपुरा जो एक ट्राइबल स्टेट था उनमें ट्राइबल्स की पॉपुलेशन जो है वो हाफ हो गई है विद इन अ सिंगल डिकेड। मतलब क्या है, ट्राइबल का शेयर जो पॉपुलेशन में है वो हाफ हो गया है विद इन अ सिंगल डिकेड रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, इसलिए आपने सुना होगा कि त्रिपुरा में एनआरसी लाने की बात हो रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब देखते हैं ट्राइबल आइडेंटिटी आज कैसी है। टुडे द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस इज सच एज द अचीवमेंट ऑफ स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल इज मॉडरेटेड बाई कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स। मैनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल हैव बीन लिविंग फॉर डिकेड्स अंडर स्पेशल लॉस दैट लिमिट द सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स। तो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है काफी सारे राज्यों में, जिससे ट्राइबल्स की जो है लाइफ इजी नहीं हो पा रही है। अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इज द ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, एजुकेशन भी बढ़ रही है, काफी तेज भी हो रहे हैं वो, धीरे धीरे काफी इंटीग्रेट भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर इश्यूज रिलेटिंग टू कंट्रोल ओवर वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड स्पेशली फॉरेस्ट and issues relating to matters of ethnic and cultural identity. अब देखते हैं family of kinship जो हमारा शायद last topic होना चाहिए। Thus the migration of men from the villages of the Himalayan region can lead to an unusual proportion of woman headed families in the villages. So इसमें थोड़ा सा हम जो बात करेंगे family and kinship में about बात करेंगे कि role of woman, role of male। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए जो उत्तराखंड जैसे कोई राज्य है, उत्तराखंड जैसे राज्य है, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और जहाँ वहाँ के जो विलेजेस हैं वो रहने लायक काफ़ी रह भी नहीं गए हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ से मेन का माइग्रेशन हो रहा है और वो जो विलेजेस हैं दे आर डोमिनेटेड बाय फीमेल्स, और इससे काफ़ी सारे इश्यूज भी आ गए हैं, जैसे काफ़ी टाइगर अटैक्स जो होते हैं वो वुमेन पर ही होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। उसके बाद सेक्स सिलेक्शन माइग्रेशन हो रहा है एग्जैक्टली, तो सेक्स रेशियो जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो गया है दो जगहों का, एक तो सोर्स मतलब उत्तराखंड का, उत्तराखंड के जो विलेजेस हैं वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेल्स माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे सिटीज जैसे दिल्ली में मेल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ें इशूज़ हो रहे हैं और लेबर में भी इशू हो रहा है कि फीमेल्स काफ़ी काम नहीं कर पा रही हैं और मेल अपना यहाँ पर सिटीज़ में काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब इश्यूज़ आ गए हैं। इसी से एक कॉन्सेप्ट भी आया है गोस्ट विलेजेस कॉन्सेप्ट क्या आया है, जिसमें विलेज में कोई रहता ही नहीं है। तो उत्तराखंड के काफ़ी विलेजेस हैं गोस्ट विलेजेस जो जहाँ कोई रहता ही नहीं है। एक और इशू इससे क्या आता जा रहा है माइग्रेशन से उत्तराखंड इलाकों में, कि उनकी डीलिमिटेशन कमीशन जब बैठेगा तो उनकी जो पार्लियामेंट और उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो सीट्स होंगी वो और कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फैमिली और किनशिप के बारे में मेन चीज तो यही है, और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट इज एविडेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस दैट नॉट ओनली हैव फैमिली स्ट्रक्चर चेंज बट कल्चरल आइडियाज नॉर्म्स एंड वैल्यूज आल्सो चेंज। आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब पेरेंट्स होते हैं उनके चिल्ड्रन होते हैं, इसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली, इसको ज्वाइंट फैमिली भी कहा जाता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बट हैज मोर देन वन कपल, ऑफन मोर देन टू जनरेशन लिविंग टुगेदर। जैसे पेरेंट्स, चिल्ड्रन और साथ में रहना, ये ज्वाइंट फैमिली होती है, और इवन ग्रांड चिल्ड्रन भी हो जाते हैं काफी बार, जैसे जनरली आपने सीरियल्स में देखा होगा, एक कपूर के सीरियल्स में। डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ द फैमिली विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेसिडेंस। सम सोसाइटीज आर मैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल मतलब शादी होके
शादी होके लड़का लड़की वहीं रहेंगे, मदर मतलब लड़की के घर में, इन देयर मैरिज एंड फैमिली कस्टम्स वाइल अदर्स आर पैट्री लोकल। ठीक है, पैट्री लोकल है, पैट्री लोकल जैसे हम सबकी सोसाइटी है, लड़की शादी होकर लड़के के घर में आती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है? पैट्रियार्कल सोसाइटी फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट वेयर द मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, एंड मैट्रियार्की सोसाइटी वेयर वुमेन प्ले अ सिमिलरली डोमिनेंट रोल। हाउएवर मैट्रियार्की अनलाइक पैट्रियार्की हैज बीन अ थ्योरी रादर देन एन एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थ्योरी है, ज्यादातर तो ट्रू होता नहीं है। हाउएवर देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिलिनियर सोसाइटीज, मतलब लेडीज का जो नाम है ना पीछे वाला नाम वो चल रहा है मैट्रिलिनियर सोसाइटी, जैसे सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन पीरियड में थे, ऐसे ही मदर का नाम चलता था, इसे मैट्रिलिनियर कहते हैं। हम सबकी सोसाइटी देखिए जनरली क्या है, पैट्रिलिनियर है, मतलब फादर का नाम चलता है। जैसे राम कुमार अगर फादर का नाम है तो बेटे का नाम अगर श्याम कुमार है तो फादर के नाम से पीछे से चल रहा है, ये हो गया पैट्रिलिनियर। पैट्रियार्कल मतलब हुआ कि फादर जो कहेगा वही पत्थर की लकीर है और वही फॉलो करना होगा, ये पैट्रिलिनियर हो गया। पैट्री लोकल का मतलब है शादी होकर लड़की लड़के के घर में जाएगी। हाउएवर देयर डू, अब वापस आते हैं इस पे, हाउएवर देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिलिनियर सोसाइटीज, सोसाइटीज वेयर वुमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर्स बट डू नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट नॉर आर दे द डिसीजन मेकर्स इन पब्लिक अफेयर्स। सो मैट्रिलिनियर सोसाइटी में एक और जो चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वो मदर से डॉटर के नाम पर आती है, लेकिन जो कंट्रोल होता है ना वो फाइनली वो मेल्स के हाथ में ही होता है। एक खासी जो सोसाइटी है वो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, अगर आपको एग्जांपल देना हो तो मैट्रिलिनियर सोसाइटी जो है वो खासी सोसाइटी है, खासी मेघालय में। So several scholars have highlighted the inherent contradictions in matrilineal system. One such contradiction arises from the separation of the line of descent and inheritance on the one hand and the structure of authority and control. So ये होता है कि authority और control males के हाथ में होती है, लेकिन जो descent हो रहा है, inheritance हो रहा है, वो सब females के नाम पे हो रहा है। खासी matrilineal generates intense role conflict for men. They are turned between their responsibilities to their natal house on the one hand and to their wife and children on the other hand. So इसमें issue क्या है कि अब जैसे मेल है तो क्या वो अपने पेरेंट्स के लिए काम करे या अपनी वाइफ के लिए काम करे, प्रॉपर्टी जो आएगी ऊपर से वो वाइफ की आएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। इन अदर वर्ड्स डिस्पाइट मैट्रिलिनियर मैन आर द पावर होल्डर्स इन कासी सोसाइटी, द ओनली डिफरेंस इज दैट मैन रिलेटिव्स ऑन हिज मदर साइड मैटर मोर देन हिज रिलेटिव्स ऑन द फादर साइड। सो आपने देखा होगा जनरली हमारी सोसाइटी में जो मैटर करते हैं रिलेटिव्स वो ज्यादातर फादर साइड पे करते हैं, क्यों? क्योंकि वहीं से हमें प्रॉपर्टी आ रही होती है, प्रॉपर्टी है, देखिए सारा का सारा चीज प्रॉपर्टी हो गई, खानदान का नाम हो गया और जो चीजें आ रही हैं। तो लेकिन यही खासी सोसाइटी में मैटरनल साइड से आती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिलिनियर सोसाइटी में मैन के लिए रिलेटिव जो होते हैं वो मदर साइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर, ये भी काफी लंबा हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखें आप इसके आंसर, मैं इसके आंसर चेक करूंगा और रिव्यू करूंगा। आप इनके 150 वर्ड्स में आंसर लिखिए, जैसे ये क्वेश्चन है इनके 150 वर्ड्स में आंसर होने चाहिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।